सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपका जो जीयू जे सीईटी रिजल्ट्स के बारे में, जो कि बताया जा रहा है आपका कुछ टाइम में जो आपका रिजल्ट जो है वो रिलीज हो जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज हो गया आपका रिजल्ट। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, बाकी आपके स्क्रीन पे भी है, डेट इज GSEB.org। और जो रिजल्ट है वो मेनली कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के जो कट ऑफ है उसके हिसाब से आने वाला है आपका रिजल्ट। और जो ACPC है वो कंडक्ट करने वाला अपना काउंसलिंग प्रोसेस फॉर बीई बीटेक प्रोग्राम्स फॉर द क्वालिफाइड स्टूडेंट्स। तो जो भी बच्चे पास कर लेते हैं और अच्छे रैंक ले आते हैं तो उनके लिए कट ऑफ वगैरह भी रिलीज भी शुरू हो जाएगी एक बार जैसे रिजल्ट जो डिक्लेयर होता है उसके बाद। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जैसे कि जो गुजरात का जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है उसका रिजल्ट लिंक जो आपके कुछ टाइम में अवेलेबल होगा। तो इसमें बताया गया कि कैंडिडेट्स को जो है अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स होना जरूरी है उनके पास, ताकि जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो आप उसे डाउनलोड कर सके। जो गुजरात का सेकेंडरी हायर सेकेंडरी जो एजुकेशन बोर्ड है उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने जो एग्जाम जो है वो कंडक्ट किए थे मार्च 31 को, और अब आपका रिजल्ट जो है वो मोस्ट प्रोबली 5 मई से पहले पहले आ जाएगा। वंस जो जो गुजरात सीईटी का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाता है तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो पूरा शुरू हो जाएगा काउंसलिंग वगैरह के लिए। और काउंसलिंग में बैठने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो अच्छी रैंक आनी जरूरी है आपकी। दूसरा, आपको जैसे काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होता है तो उससे आपको कॉलेज वगैरह फिल करने होते हैं कि गुजरात के आप किस किस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो। मोस्टली ट्राई करना कि प्रेफरेंसेस ऐसे रखो कि जो आपके नियरेस्ट कॉलेजेस हो या फिर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनको फर्स्ट प्रेफरेंस, और बाकी को जो है नीचे नीचे की प्रेफरेंस आप दे सकते हैं। एंड जो गुजरात का जो सीईटी का रिजल्ट है वो ये भी बताया गया है कि जैसे ही डिक्लेयर होता है उसके बाद जो है एडमिशन कमेटी जो है फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज ACPC गुजरात जो है वो कंडक्ट करने वाली है आपका काउंसलिंग प्रोसेस फॉर बीई एंड बीटेक प्रोग्राम्स। और जो कमेटी है वो रिलीज करेगी आपके रैंक वाइज, इंस्टीट्यूट वाइज एंड ब्रांच वाइज आपकी एक पूरी कट ऑफ एवरी ईयर जो आपकी रिलीज होती है बेस्ड ऑन देयर GUJCET कट ऑफ एंड GUJCET रैंक। स्टूडेंट्स को जो एडमिशन मिलेगा इंजीनियरिंग कोर्सेज एंड कॉलेजेस में। नेक्स्ट ये बताया गया कि लास्ट ईयर के रैंक और कट ऑफ कितनी गई थी, और हर कॉलेज के आपको रैंक और कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके सारे रैंक और कट ऑफ देख सकते हैं। जैसे अगर आप देखोगे जैसे दर्शन इंस्टीट्यूट जो था उसकी कितनी रैंक गई थी और कितनी कट ऑफ गई थी परसेंटेज के हिसाब से, तो आप सारी देख सकते हैं। तो ये बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कि आपकी पूरी लिस्ट यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रही है। तो अगर आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे करके एक एक जो कॉलेज है या इंस्टीट्यूट है उनकी कट ऑफ जो है वो रीड कर सकते हैं। बाकी ये है सारे आपकी आज की अपडेट्स। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और इंस्टा पे फॉलो। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर रिजल्ट्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।